अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वाह। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। कह रहा हूं कि वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी। हे उसकी आदत डरा रहा है, हे उसकी आदत डरा रहा है। मैंने ये कहा है कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। हे, वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी। हे उसकी आदत डरा रहा है, हे मेरी फितरत डरा नहीं हूं। यहां दाद देनी थी जो वहां पर, मेरी फितरत डरा नहीं। अर्ज कर रहा हूं, सुनिएगा, अर्ज कर रहा हूं कि ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना। मेरी बहन भी है और ये मेरा बेटा भी है, इन दोनों के लिए कह रहा हूं, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना, अपना मालिक अपना खालिक अफजल, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गुजारिश करना यह चाहता हूँ कि पूरा हवाला रोशन बेग साहब की इतनी शानदार महफिल का हवाला जो है वो उर्दू है। खुदा के लिए इस पर यह आँच ना आ जाए कि उर्दू वाले खुदा ना खास्ते खास्ता हिंदुस्तानी नहीं है या वतन परस्त नहीं है। खुदा के लिए बस ये खतरा ना हो जाए। मैं एक मतलब पढ़ता हूँ, आप शिरकत कर लेंगे तो मेरी बात पूरी हो जाएगी। अर्ज कर रहा हूं कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। अब जान के दुश्मन को पहचान लो तो मजा आ जाए। अर्ज क्या है कि हम अपनी जान के दुश्मन को, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत अच्छे, मोहब्बत की इसी मिट्टी को। अब मुझे अंदाजा हो गया कि मुझे कितनी देर पढ़ना है, मेरा ख्याल है 3 या 3.5 मिनट। मोहब्बत की इसी मिट्टी को मूड बना के आया था कि कम से कम 40 मिनट जरूर सुनाऊंगा, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि मेरे मेयार से मेरे खत से बहुत आगे का मुशायरा है। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, और जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। फिर उसके बाद चाहे ये जुबां कटती है कट जाए, फिर उसके बाद चाहे ये जुबां
फिर उसके बाद चाहे ये जुबां कटती है, कट जाए, हमें जो कुछ भी कहना है अलल ऐलान कहते हैं। फिर उसके बाद चाहे ये जुबां कटती है, कट जाए, हमें जो कुछ भी कहना है अलल ऐलान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। देखिए साहब, ये सारा काम आज जो हुआ हमारा, मेरे तो बेटे की तरह हैं, ये सिर्फ सारा काम इसलिए हुआ कि आज़ाद साहब बैठे हुए हैं। अब ये है कि समाजवादी पार्टी में इसकी कोई गुंजाइश है नहीं, कांग्रेस में कहीं मौका लग जाए, इसलिए सारी मेहनतें और हिम्मतें हो रही थी। और अगर गुंजाइश है तो मेरी सिफारिश है कि आप इसको ज़रूर हो कर दीजिए। देखिए साहब, आज़ाद साहब ने दो गज़लों के दो शेर मुझे पढ़ने को कहा है, वो मैं पहला शेर पढ़ रहा हूँ। गालिब ने कहा है कि शेरों के इंतखाब ने रुस्वा किया मुझे, जो पहला शेर उन्होंने मुझे हुक्म दिया है उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि उनका मिजाज क्या है। दाद उन्हें दीजिएगा, अगर शेर पसंद आए तो वो भी बैठाएं। किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी, ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है, आप तो अंदर हैं बाहर कौन है। यार कमाल है, बेंगलोर के अच्छे लोगों, आप तो शेर पर भी दाद देते हैं। है? किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है, आप तो अंदर हैं बाहर कौन है। अस्कराओं के तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, फूलों की दुकानें खोलो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो, इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं सौ बार करो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो, इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं सौ बार करो। अर्ज कर रहा हूँ दोस्तों के आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो जैसा कि इमरान ने कहा कि हिंदू और मुसलमान जो भी ईमानदार और जो भी मोहब्बत करने वाले हैं उन सबको मुखातिब उसने किया। सिर्फ मुसलमानों का मजमा नहीं है ये सिर्फ हिंदुओं का मजमा नहीं है, ये सिर्फ जितने लोग बैठे हैं मोदी के खिलाफ नहीं है, ये सारे जितने लोग बैठे हैं ये कांग्रेसी नहीं है, गजल सुनने के लिए भी लोग यहाँ पर आए हैं। तो मैं कोशिश कर, मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे मना कर सकते हैं, तो मैं अर्ज कर रहा हूँ आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें, आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें, इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें, वाह, इश्क दोनों की जरूरत है,
चलो इश्क करें, इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है। ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें, इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है। ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप अगर सच्चा शेर पढ़ रहा हूं तो मैं आपकी शिरकत चाहूंगा। ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। वाह 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 वाह, ये ईसाई वो सिख, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। ये मेरी अदनासी कोशिश थी, माजिद से कहकर उठा था मैं, अल्लाह करे भाई एक मुशारा शुरू हो जाए तो अच्छा। इतने बड़ा लाखों का मजमा है ये, तो तीन चार शेर एक गज़ल के एक बार और पढ़ के जाना चाहता हूँ। ये गज़ल है, मुशारे की ही गज़ल है और शेर अच्छे हैं ये थे। मुशारे की तरकीब वरकीब में ये पूरी लिख कर लाया था मैं, जो आपसे तालियाँ पिटवा दी और पीछे वालों को कुर्सियों पर से खड़े होकर तालियाँ बजवा सकता था मैं। मुझे सब याद है, मोदी जी भी याद है और अन्ना हजारे भी याद है और कुमार विश्वास भी याद है, सब याद है मुझे। लेकिन मैं चाहता था कि ये उर्दू के नाम का जलसा है तो उर्दू के नाम का जलसा रहे। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे, और मुझे वो छोड़ गया ये कमाल है उसका, इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, साहब पसीने बांटता फिरता है।